नमस्कार। आज का वीडियो काफ़ी जद्दोजहद के बाद आपके सामने लाया गया है, क्योंकि मैं रात में शूट कर रहा हूँ, लाइट का अरेंजमेंट, फिर गर्मी इतनी है, पंखे का जो साउंड आ रहा है उसकी हमिंग और ये तमाम चीज़ें, लेकिन कुल मिला के मैं कहा कि चलो देर आए दुरुस्त आए और आपके सामने मैं आ रहा हूँ। देखिए, आपको जैसा मालूम है मैं न्यू बनारस कैमरा सोसाइटी से जुड़ा हुआ हूँ और हम लोग की बहुत सारी ऑफलाइन और इस तरह की क्लासेस हुआ करती हैं, जिसमें हम कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं जो आपके काम का होगा। इस बार हम एक बहुत रोचक सा विषय लेके आए हैं और वो है मोड सेलेक्टर डायल। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे इसको, बहुत से कम लोग जानते होंगे, लेकिन DSLR जब से आया है इस इंडस्ट्री में, तब से मोड सेलेक्टर डायल बहुत चर्चित रहा है। और ये है मोड सेलेक्टर डायल, ये आपको एक चक्का सा दिख रहा होगा, ये मोड सेलेक्टर डायल है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सिंबल्स और कुछ अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं, उसके विषय में पूरी मैं जानकारी दूंगा कि इसका क्या उपयोग है। बहुत सारे मोड्स होते हैं जो एक्सपोज़र मोड होते हैं। फ़ोटो को जब हम शूट करते हैं तो एक्सपोज़र लगाते हैं ना, एक्सपोज़र से ही फ़ोटो अंडर या ओवर होती है। अगर हमने देर तक लाइट को आने दिया और ज़्यादा लाइट को आने दिया तो फ़ोटो ओवर हो जाएगी, ज़्यादा सफ़ेद हो जाएगी, जैसी हमारी कल्पना है उससे अधिक। और अगर हम किसी वजह से भी अगर लाइट कम अंदर आई तो हमारी फ़ोटो हमारी कल्पना से काली हो जाएगी, और उसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं अंडर एक्सपोज हो जाएगी। तो जो मोड सेलेक्टर डायल है, इसमें आगे मैं बहुत विस्तृत रूप से अभी स्लाइड शो के मार्फत आपको बताऊँगा, लेकिन इसमें तीन मोड ऐसे हैं जिससे कि आपकी कोई भी फ़ोटो अंडर या ओवर नहीं होगी, एक रीज़नेबल क्वालिटी तक आपको मिलेगी। किंतु एक मोड ऐसा है जिसमें आप जैसा चाहें वैसा कंट्रोल कर सकते हैं। कुल मिला के मैं ये कहूँ तो एक स्कूटी है जिसमें ऑटो गियर लगा हुआ है और आप जैसे सिर्फ एक्सीलेटर बढ़ाना है वो अपने आप उसे हिसाब से कम ज़्यादा होते रहती है, लेकिन एक ऐसी भी गाड़ी होती है जिसमें गियर होता है, क्लच होता है और सब कुछ आपके हाथ में होता है। आप चाहें तो कभी भी उसे बढ़ा सकते हैं, कभी भी उसे घटा सकते हैं। तो टेक्निकल चीज़ें हैं, आइए चलते हैं हम स्लाइड शो में और फिर बात करेंगे कि किस तरह से कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो चलिए बने रहिए वीडियो में। और जैसा कि आपका प्यार मिला मुझे, मैंने लास्ट वीडियो एक एक्सपोज़र पर डाला था और उस पर मुझे 40 एक वीक के अंदर मुझे 40 सब्सक्राइबर नए मिले और वॉच आवर भी अच्छा मिला। तो मैं सोचता हूँ कि इस तरह की चीज़ें मैं डालता रहूँगा। बनारस में कुछ स्टूडेंट हमारे BHU में हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे कैमरा क्लब में हैं, वो सब लोग इसको देखें और इसका लाभ उठाएं। और अगर उनको अच्छा लगता है कुछ, तो जाहिर है कि एक ही बात होती है, हर यूट्यूबर बोलता है, मैं भी बोलता हूँ कि सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन में जाके ऑल में क्लिक करिए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सके शेयर करिए। और मुझे कमेंट ज़रूर दीजिए कि अगला एपिसोड आप किस पे देखना चाहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास शूटिंग और एक्सपोज़र मोड पर होने वाली है। कैमरे में ये दाहिनी तरफ जो आप एक काले रंग का चक्का देख रहे हैं, उसमें PAS M और ऑटो, इस तरह की चीज़ें हैं। और दाहिनी तरफ आपको छोटी छोटी चीज़ें मिलेंगी जो अमेचर मोड के लिए है। इसमें फूल है, लैंडस्केप है, नाइट पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट है और दौड़ता हुआ कुछ है विषय। DSLR कैमरे में मुख्यतः 5 शूटिंग मोड या कैमरा मोड होते हैं: ऑटो मोड, प्रोग्राम मोड, अपर्चर प्रायोरिटी मोड, शटर प्रायोरिटी मोड, मैनुअल मोड। इन्हें कैमरे के मोड डायल व्हील की मदद से बदलते हैं। ऑटो मोड, यह वही मोड है जिससे हम सब परिचित हैं, क्योंकि ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन और पॉइंट एंड शूट कैमरे से अब तक इसी मोड में हमने फ़ोटो ली है। दरअसल फ़ोटो शूट करने के लिए कैमरे में अपर्चर, शटर स्पीड और ISO के अलावा अन्य कई सारे फैक्टर होते हैं, जैसे वाइट बैलेंस, पिक्चर कंट्रोल, तस्वीर का कलर, सैचुरेशन, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और शार्पनेस, फोकस एरिया, फोकस मोड, मीटरिंग इत्यादि, जिनसे फ़ोटो की क्वालिटी निर्धारित होती है। ऑटो मोड में आपके लिए यह सारा कुछ कैमरा सेट कर देता है, इन सबके ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता। दूसरे शब्दों में कहें तो आप इन सारे झमेले से मुक्त रहते हैं और अपने DSLR को एक पॉइंट एंड शूट कैमरे की तरह इस्तेमाल करते हैं।
ऑटो मोड केवल इंट्री लेवल कंज्यूमर DSLR में होता है, प्रोफेशनल DSLR में नहीं। बड़ी संख्या में ऐसे लोग होते हैं जो DSLR लेकर भी ऑटो मोड से कभी आगे नहीं बढ़ते और ज़िंदगी भर उसे पॉइंट एंड शूट कैमरे की तरह इस्तेमाल करते रह जाते हैं। प्रोग्राम मोड, डिजिटल कैमरा मोड में ऑटो मोड से एक पायदान ऊपर है प्रोग्राम मोड। इसमें कैमरा आपके लिए शटर स्पीड और अपर्चर सेट करता है और आपकी तस्वीर को एक एवरेज वैल्यू वाला एक्सपोजर मिलता है, यानी तस्वीर ठीक ठाक एक्सपोज होती है। विभिन्न लाइटिंग सिचुएशंस को ध्यान में रखकर एवरेज एक्सपोजर के लिए कैमरा अपने हिसाब से अपर्चर और शटर स्पीड का एक उपयुक्त कॉम्बिनेशन सेट करता है। प्रोग्राम मोड में ISO, वाइट बैलेंस, पिक्चर कंट्रोल, फोकस एरिया, फोकस मोड, मिटरिंग वगैरह आपको सेट करना होता है। कुछ हद तक अपनी पसंद के साथ फटाफट फोटो लेने के लिए यह मोड परफेक्ट है। अपर्चर प्रायोरिटी मोड, नाम से ही जाहिर है इस मोड में आप अपर्चर तय करते हैं और शटर स्पीड तय करने का जिम्मा कैमरे का होता है। अपर्चर के अलावा ISO, वाइट बैलेंस, पिक्चर कंट्रोल, फोकस एरिया, फोकस मोड, मिटरिंग वगैरह भी आपको ही खुद से सेट करना होता है। यदि डेप्थ ऑफ फील्ड आपकी प्रायोरिटी है और आप शटर स्पीड डिसाइड करने के झंझट से मुक्त रहकर बाकी ध्यान पर्सपेक्टिव और फ्रेमिंग पर देना चाहते हैं और एक्सपोजर में कोई बड़ी गलती किए बिना फटाफट तस्वीरें लेना चाहते हैं, तो अपर्चर प्रायोरिटी मोड आपके लिए है। इसके कुछ नमूने हैं, यहाँ पे सिर्फ सामने वाले ये लोहे के जो एलिमेंट है उसको आपको शार्प करना था तो आपने अपर्चर मोड का इस्तेमाल किया। चूँकि स्टिल लाइफ जब आप शूट कर रहे होते हैं आपके पास बहुत समय होता है, तो आप वहाँ भी अपर्चर मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि कैमरा ट्राइपॉड पे होता है। यह भी स्टिल लाइफ का दूसरा नमूना। जब आप लैंडस्केप शूट कर रहे होते हैं तो आपको नैरो अपर्चर रखना पड़ता है और ज़्यादा डेप्थ ऑफ फील्ड की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में आपके पास ट्राइपॉड होना चाहिए और आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि बिल्कुल आगे से लेके बिल्कुल पीछे तक, पहाड़ों के पीछे बादल तक भी सभी चीज़ें बिल्कुल शार्प फोकस में है। शटर प्रायोरिटी मोड, यदि आप गतिशील सब्जेक्ट की तस्वीर ले रहे हों और उनके मोशन को अपनी तरह से दिखाना चाहते हैं लेकिन अपर्चर सेट करने में वक्त जाया नहीं करना चाहते, तो यह शटर प्रायोरिटी मोड आपके काम का है। मोशन फ्रीज करने या ब्लर करने का विकल्प अपने हाथ में रखते हुए आप एक्सपोजर की चिंता से मुक्त रहते हैं क्योंकि इस मोड में कैमरा आपके लिए अपर्चर डिसाइड करता है। शटर प्रायोरिटी मोड में शटर स्पीड पर आपका कंट्रोल रहता है, साथ ही आप ISO, वाइट बैलेंस, पिक्चर कंट्रोल, फोकस एरिया, फोकस मोड, मीटरिंग वगैरह भी खुद से ही सेट करते हैं। कैमरे का काम केवल अपर्चर सेट करना रहता है। इसका यह नमूना है, क्योंकि ये बहुत भागती हुई तस्वीर है तो अगर शटर स्पीड हम फास्ट नहीं रखेंगे तो ये तस्वीर कवर नहीं होगी शार्प रूप से। तो हमने यहाँ शटर स्पीड कैमरे को डिसाइड करने के लिए कह दिया है और उसमें हमने एक शटर स्पीड अपने हिसाब से लगा दी है अधिकतम। इसमें भी खेल के समय में भी आपको शटर स्पीड की ज़रूरत होती है, तभी ये चीज़ें फ्रीज हो पाती हैं, इसलिए आप यहाँ शटर प्रायोरिटी का उपयोग करते हैं। ये महिला ऊपर से कूद रही है, अगर हमें इसको हवा में पकड़ना है तो हम जाहिर है कि हाई शटर स्पीड रखेंगे और वो शटर स्पीड पहले से कैमरे में लगा देंगे तो कैमरा शटर स्पीड डिसाइड करेगा। यहाँ भी ये जो पक्षी उड़ रहे हैं तो अगर इनको शार्प लेना है तो जाहिर है कि हमें शटर स्पीड फास्ट रखनी होगी, जो कि हमने पहले से ही कैमरे में डिसाइड कर दी है। यहाँ भी ये बात है कि बतख सामने आ रहा है, पानी भी अपनी गति में है, बतख भी अपनी गति में है, तो यहाँ भी हमें शटर प्रायोरिटी मोड में खींचना है। यहाँ आप देख रहे हैं जो दो पात्र हैं, राम लक्ष्मण, भरत मिलाप का दृश्य है ये, उनके दोनों के एक एक पैर ऊपर है। अगर शटर प्रायोरिटी में हम यह नहीं रखेंगे तो ये बिल्कुल गतिमान चीज़ें कैद नहीं होंगी स्टिल रूप में। इस तरह की कुश्ती है, यहाँ भी चूँकि एक्शन होते रहते हैं और चीज़ें हमें शार्प चाहिए होती है, तो हम यहाँ पे हाई शटर स्पीड का उपयोग करते हैं और कैमरे को पहले से ही उसमें सेट कर देते हैं।
यहाँ जंगल का दृश्य है। ये कुछ तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि चारों पैर उनके हवा में है। अगर शटर स्पीड फास्ट नहीं होती तो ये किस तरह से होता। यहाँ अमूमन 1/2000 की शटर स्पीड पहले से ही कैमरे में लगा दी गई है, तभी यह ऐसे शूट हो पाया है। मैनुअल मोड, जैसा कि आपने देखा, प्रोग्राम, अपर्चर और शटर प्रायोरिटी मोड तीनों सेमी ऑटोमेटिक मोड हैं। इनका इस्तेमाल आपको एक्सपोजर में बड़ी गलती होने की संभावना से हर हाल में बचाए रखता है और इस मामले में आप सेफ रहते हैं। लेकिन फोटोग्राफी में असली मजा तब है जब हर चीज़ फोटोग्राफर खुद से तय करे। इसीलिए मैनुअल मोड हमेशा असली फोटोग्राफर की पहली पसंद रहा है। मैनुअल मोड वह डिजिटल कैमरा मोड है जिसमें आपको अपर्चर, शटर स्पीड और ISO तीनों खुद से सेट करना पड़ता है, यानी टोटल एक्सपोजर पर आपका नियंत्रण रहता है। बाकी की चीज़ें वाइट बैलेंस, पिक्चर कंट्रोल, फोकस एरिया, फोकस मोड, मीटरिंग वगैरह तो आपको खुद से ही सेट करना पड़ता है। इसका यह एग्जांपल मैंने बनाया है, बहुत अंडर एक्सपोज से बहुत ओवर एक्सपोज तक तस्वीरों को किया है और आप इसमें देख रहे होंगे कि हर चारों तस्वीर में अलग अलग एक्सपोजर से अलग अलग इफ़ेक्ट आया है। निष्कर्ष, दरअसल मैनुअल मोड के अलावा बाकी सभी मोड में तस्वीर को लगभग एक जैसा एक्सपोजर मिलता है, लेकिन यदि आप मनचाहे तरीके से तस्वीर को एक्सपोज करना चाहते हैं या कलात्मक रुझान वाली तस्वीरें लेना चाहते हैं तो मैनुअल मोड को छोड़कर इन सभी मोड से आपको निराशा लगेगी। इसीलिए DSLR हाथ आते ही धीरे धीरे ही सही आपको मैनुअल मोड पर अपनी पकड़ मजबूत करनी चाहिए ताकि आप फोटोग्राफी के रियल स्किल और असली दुनिया से। क्या आपको काम का कुछ मिला या बस यूं ही टाइम ख़राब हुआ? अगर काम का कुछ मिला हो तो आइए आगे चलते हैं और आप मुझे बताएंगे कि आपको और क्या क्या देखना है। मेरा पैशन है सीखना और सिखाना। मैं अभी भी अपने मेंटर दीप भाटिया सर से आज ही मैंने एक क्लास उनसे सीखी जो एक ग्लासवेयर फोटोग्राफी के ऊपर थी और अभी मैं आपको एक्सपोजर मोड सिखाया हूँ। धन्यवाद।